यामाहा का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लूट लेगा बाजार, सड़क पर देखा भी हो जाएंगे दीवाने। यामाहा नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में यामाहा मोटर द्वारा पेश किया गया पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये यूरोप में 2022 में लॉन्च किया गया था और भारत में 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यामाहा नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे शहरी परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक हाई इफिशियंसी 2.06 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड प्रदान करती है। स्कूटर में एक 38.5 किलोमीटर का दावा किया गया है जो इको मोड में 35 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। यामाहा नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। हाई इफिशियंसी 2.06 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर, 38.5 किलोमीटर का दावा किया गया है जो इको मोड में 35 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। हटाने योग्य बैटरी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीले स्टॉट डिस्क ब्रे। यामाहा नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भारत में 1,00,000 रुपए एक्स शोरूम होने की उम्मीद है। यह ओला और आथर के साथ ओकिनावा प्राइस प्रो प्योएवे प्लूटो 7G और ई ब्लू फेयो जैसे अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। यामाहा नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक आकर्षक और किफायती विकल्प है जो शहरी परिवहन के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह अपने स्टाइलिश डिजाइन, हाई एफिशिएंसी मोटर और लंबी दूरी की सीमा के लिए एक अच्छा विकल्प है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।